मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में रहने वाले श्री जेपी नड्डा जी का जन्म 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल से हुई। उसके बाद बीए की पढ़ाई पटना कॉलेज से हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वे हिमाचल आ गए और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से LLB की डिग्री प्राप्त की। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1975 में देश के सबसे बड़े आंदोलन जेपी आंदोलन से हुई। इस आंदोलन में भाग लेने के बाद श्री जगत प्रकाश नड्डा बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हो गए। उन्होंने 1977 में अपने कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पटना विश्वविद्यालय के सचिव बने। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में LLB की पढ़ाई के दौरान उन्होंने वहां भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा और ABVP का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले छात्र संघ अध्यक्ष बने। साल 1991 में भाजपा ने उन्हें अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और 1993 में ये जिम्मेदारी उन्हें दोबारा दी गई। साल 1993 में जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिलासपुर सीट से पहला चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद उन्हें प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। साल 1995 में उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिला। साल 1998 और 2007 में भी उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1998 में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार संभाला और साल 2007 में वे वन पर्यावरण और संसदीय मामलों के मंत्री रहे। साल 2010 में श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बन गए और 2013 में श्री राजनाथ सिंह जी और फिर 2014 में अमित शाह जी की टीम में भी उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्य किया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भाजपा के लिए पूरी लगन और मेहनत से कार्य कर रहे थे। इसको देखते हुए भाजपा ने साल 2012 में उन्हें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनाया। तब से लेकर अब तक वे राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य करते हुए श्री जेपी नड्डा ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। श्री जगत प्रकाश नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के साथ भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव भी रहे। उनकी संगठन क्षमता और कार्य कुशलता को देखते हुए पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें एक और अहम जिम्मेदारी सौंपी। वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव प्रभारी बन गए। श्री नड्डा के रणनीतिक कौशल के सहारे भाजपा गठबंधन ने सपा बसपा में गठबंधन होने के बावजूद यूपी में प्रचंड विजय प्राप्त करते हुए 64 सीटें प्राप्त की। इस प्रचंड जीत के बाद शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का उन पर विश्वास और मजबूत हुआ। फिर पार्टी ने उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।